दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्विट एंड टैक्स सॉल्यूशन चैनल को, और साथ ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कार एंड टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेन के सीजन में या फिर ठंडे मौसम में जो यहाँ पर ग्लासेस पर जो फॉग जमा हो जाती है साइड वाले मिरर्स और फ्रंट में या बैक में, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसे आप बिना हाथ से क्लीन किया कैसे आप अपने एसी वेंट्स को यूज करके उन्हें डिफॉग कर सकते हो, और आप इन वेंट्स को कैसे डिफॉगर की तरह यूज कर सकते हो, और अगर आपकी गाड़ी में बैक डोर पर बैक मिरर पर डिफॉगर नहीं है तो आप इन वेंट्स से कैसे अपने बैक मिरर को, गाड़ी के बैक मिरर को डिफॉग कर सकते हो, इस सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो जो डिफॉगिंग पर बनाई थी मिरर्स को डिफॉग करने के लिए, उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों लेफ्ट और राइट मिरर को रिफॉग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आप एसी वेंट है, ज्यादातर जो गाड़ियां होती हैं उनके यहाँ पर अलग से एक डिफॉगर होता है जो यहाँ पर एयर देता है, और साइड और लेफ्ट दोनों लेफ्ट और राइट साइड के जो वेंट मिरर है वहां से आप डिफॉग कर सकते हो। लेकिन इस गाड़ी में क्या है, ये एसी वेंट रोटेट करता है। आप जब इसे डिफॉग करना है इसे रोटेट करके इस मिरर की तरफ कर दीजिए, जो एयर यहां से जाएगी इस मिरर पर वो यहां से सारी फॉग को हटा देगी। और इसके बाद दोस्तों फ्रंट मिरर को कैसे हम डिफॉग कर सकते हैं, यहाँ पर आई फॉग को कैसे हटा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर दो डिफॉगर्स हैं, इनका हम यूज कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं। अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो एयर है जो सिर्फ इसी वेंट से आएगी, अगर हम यहाँ से करते हैं तो नीचे से एयर आएगी और इस वेंट से भी एयर आएगी, और यहाँ पर करने से एयर जो नीचे सिर्फ पैरों को एयर मिलेगी, और यहाँ पर करने से ये देखिए डिफॉगर का निशान सिंबल बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एयर जो डिफॉगर से भी आएगी और आपके फुट्स की तरफ भी जाएगी। और उसके बाद आते हैं हम नीचे, इसे यूज विद इससे बाहर की एयर है जो अंदर आएगी, और ये लास्ट में आप देख सकते हैं ये ऊपर डिफॉगर का निशान बना हुआ है। अगर यहाँ पर हम इसे कर देते हैं तो सारी जो एयर है वो डिफॉगर से आएगी, ऊपर वाले वेंट से भी एयर बिल्कुल नहीं आएगी, तो जो आपका फ्रंट का मिरर है वो इजीली डिफॉग हो जाएगा। अगर आप अपने एसी की एयर अपनी तरफ भी चाहते तो यहाँ पर कर दीजिए, धीरे धीरे जो है एयर वो डिफॉगर से भी आएगी और एसी से भी आएगी, तो आपकी जो फ्रंट मिरर है इजिली डिफॉग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कर देते हैं तो सारी एयर है जो यहाँ से आएगी और यहाँ से आकर वो यहाँ से एयर आपके ग्लास से आकर अपने आपके फेस तक भी आएगी, और यहाँ से आपके जो एयर आएगी वो सारी आपके जो फ्रंट ग्लास है उसे क्लीन कर देगी और फ्रंट ग्लास से सारी फॉग हट जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बैक मिरर है जो सबसे मुश्किल होता है जिसे डिफॉग करना एंट्री लेवल कार्स में ज्यादातर, क्योंकि एंट्री लेवल कार्स होती है जो उनमें बैक डिफॉगर नहीं होता। तो दोस्तों हमें जब बैक डिफॉगर नहीं मिलता तो हमें इस IRBM से पीछे देखने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि पीछे वाले मिरर जब जब फॉग जमा हो जाती है तो पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसे डिफॉग करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये यहाँ पर सेट कर देना है ताकि जो सारी एयर है सिर्फ फ्रंट वेंट से आए, एसी की सारी एयर फ्रंट से आए, कोई भी फुट से ना आए और ना ही फ्रंट डिफॉगर से एयर आए, और ये साइड वाले जो डिफॉगर्स हैं एयर वेंट्स हैं इन्हें बंद कर देना है, इसे भी बंद कर देंगे, और दोस्तों इसे ओपन रखना है और इसको बिल्कुल सेंटर में कर देना है यहाँ पर, ताकि जो फ्रंट से एयर यहाँ से एसी से एयर निकले बिल्कुल सीधी जाए। इस वेंट से दोस्तों जो एयर जाएगी वो पीछे ग्लास तक जाएगी, पीछे वाले मिरर तक जाएगी, और धीरे धीरे आपका जो बैक मिरर है उसे डिफॉग कर देगी। इस टेक्निक से दोस्तों आप इसे बैक डिफॉगर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक डिफॉगर जो होता है वो काफी जल्दी एयर वेंट बैक मिरर को डिफॉग कर देता है, लेकिन जब इस टेक्निक को आप यूज करेंगे तो 2 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे बैक मिरर को डिफॉग करने में। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको यहां से रखना है इसे, और ताकि पूरी जो एयर है इन दोनों वेंट्स से आए, बाकी दोनों वेंट्स आपको क्लोज कर देने हैं, सिर्फ इसे ही ओपन रखना है ताकि ये एयर है सीधी बैक मिरर तक जाए और जो बैक मिरर है वो डिफॉग हो जाए, वहां से सारी फॉग हट जाए। दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।